दूसरी तरह के पदार्थ वो होते हैं जिनको मैं छू सकती हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन पकड़ नहीं सकती। ऐसे पदार्थों को हम द्रव या तरल पदार्थ कहते हैं। तीसरी तरह के पदार्थ वो हैं जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये हवा, इसे ना तो मैं देख सकती हूँ ना ही पकड़ सकती हूँ। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, लेकिन इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। अर्थात गैस पदार्थ जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, आवाज या चलने से अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, आज हम ठोस पदार्थ के बारे में कुछ विशेष बातों की जानकारी देंगे। आइए देखें, जिस भी चीज में थोड़ा कड़ापन हो, जिसके कड़ेपन का अंदाज लगाया जा सकता है, वे वस्तुएं ठोस होती हैं। ये अपना आकार नहीं बदलती। इन्हें मैं पकड़ सकती हूं, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकती हूं, इसे मैं उछाल सकती हूं। ये सभी वस्तुएं ठोस हैं। ठोस के बारे में एक बात और बताती हूं। ठोस चीजें कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं। आइए देखें ये जगह घेरती हैं या नहीं। मैंने यह एक कांच का गिलास लिया। मेरे पास कुछ गेंद हैं। मैं एक एक करके इन गेंदों को इस गिलास में डालूंगी। आपने देखा कि धीरे धीरे यह गिलास गेंदों से भर गया है और इसमें अब और जगह नहीं है कि मैं और गेंद डाल सकूं। इसका मतलब यह हुआ कि इन गेंदों ने इस गिलास की खाली जगह को भर लिया है। अर्थात ठोस पदार्थ जगह घेरते हैं। ठोस पदार्थ का एक और भी गुण है, ठोस चीजों को उठाकर हम कहते हैं कि यह चीज हल्की है, जैसे ये गेंद हल्की है या ये कागज हल्का है और यह बर्तन यह भारी है। इसका मतलब यह हुआ कि ठोस पदार्थ में वजन होता है, यही वजन इसका भार कहलाता है। आपने अक्सर दुकानों में भी देखा होगा कि वजन नापने के लिए ग्राम और किलोग्राम के वाट रखे होते हैं। इसको जानने के लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। यह मैंने खाली गिलास लिया। इस गिलास में गेंद, कुछ कीले, चौक, पेन, कुछ ठोस पदार्थ मैंने रखे। यह गिलास भारी है, इसका वजन बढ़ गया है। इस गिलास से यह सभी वस्तुओं को मैं हटा दूं, यह गिलास अब हल्का हो गया। अर्थात ठोस पदार्थ में वजन होता है। दोस्तों, ठोस पदार्थ हमारे बहुत काम के होते हैं। यदि ठोस पदार्थ ना होते तो ना हम रोटी बना पाते, ना कपड़े पहन पाते और ना ही मकान बना पाते।